हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। और आज हम लोग इस वीडियो में 64वीं बीपीएससी के लिए बिहार करंट अफेयर्स का 23 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और ये जो है पार्ट वन होगा बिहार करंट अफेयर्स का, इसके बाद मैं जरूरत होगी तो पार्ट टू और पार्ट थ्री भी बनाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बिहार सुरक्षित सिटी निगरानी योजना। ठीक है, बिहार सेफ सिटी सर्वेलेंस स्कीम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की है महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर। और इस योजना के तहत राज्य के सभी सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे और सबसे पहले इसमें पटना जिला को कवर किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ अन्य अपराधों पर भी नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी। दूसरा है बिहार में ई सिगरेट पे प्रतिबंध लगा दिया है। ई सिगरेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। ठीक है, निकोटीन के गलत इस्तेमाल के लिए बिहार सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। और इस ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार 8वां राज्य है। इससे पहले पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तर प्रदेश में यह पाबंदी लग चुकी है। और इसके तहत 3 साल की सजा के साथ साथ 5,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। और इसके साथ ही साथ ई सिगरेट के ऑनलाइन विज्ञापन पर भी रोक लगा दी गई है। ठीक है, अब जानिए कि ई सिगरेट होता क्या है। ई सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक ऐसा यंत्र जो देखने में साधारण सिगरेट जैसा लगता है। इसमें एक बैटरी होती है और एक कार्ट्रिज होती है, जैसा कि प्रिंटर में होता है। और कार्ट्रिज में निकोटीन युक्त तरल पदार्थ भरा रहता है जो बैटरी की सहायता से गर्म होकर निकोटीन युक्त भाप देता है और उसे धुएं की तरह लोग पीते हैं। इसे ही ई सिगरेट कहा जाता है। ठीक है, ये रहा ई सिगरेट। चौथा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2018। ठीक है, इसका आयोजन जो है राजगीर बिहार में किया गया, नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इसका मुख्य विषय यानी कि थीम था स्टेट एंड द सोशल ऑर्डर इन धर्म धम्म ट्रेडिशंस। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट है उत्तर कोयल जलाशय परियोजना हेतु एक समझौता किया गया है। 12 जनवरी 2018 को उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने बिहार तथा झारखंड राज्य के बीच में त्रिपक्षीय समझौता किया है। और इस परियोजना की अनुमानित लागत राशि है 1622.27 करोड़ रुपए। उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के निर्माण कार्य वर्ष 1972 में शुरू हुआ था, लेकिन 1993 में इस कार्य को बंद कर दिया गया था। यह परियोजना जो है सोन नदी की सहायक नदी उत्तर कोयल नदी पर स्थापित की जा रही है। ठीक है, और इससे झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले और बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों के अत्यधिक पिछड़े और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 1,11,521 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। बिहार में खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, मतलब कि बिहार में जिन्हें भी सिगरेट पीना हो पूरा का पूरा पैकेट उनको खरीदना होगा, खुले में सिगरेट नहीं पी सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान से दूर रखा जाए। और ऐसा करने वाला बिहार 12वां राज्य बन चुका है। इससे पहले झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़, मिजोरम और पंजाब में भी खुली सिगरेट की बिक्री पर पहले से पाबंदी है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने बिहार में पानी की आपूर्ति में सुधार हेतु एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। केंद्र सरकार और एडीबी ने 23 फरवरी 2018 को बिहार के भागलपुर और गया शहरों में पानी की आपूर्ति में सुधार और विस्तार के लिए $84 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे जो है बेहतर जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों शहरों के 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शोधित जल की 24 घंटे बिना किसी बाधा की आपूर्ति हो सकेगी। नेक्स्ट है मधुबनी रेलवे स्टेशन को दूसरे सबसे खूबसूरत स्टेशन का दर्जा मिला है। ठीक है, आप देख सकते हैं मधुबनी रेलवे स्टेशन पर हाल ही में मधुबनी पेंटिंग बनाई गई थी। सौंदर्यीकरण प्रतियोगिता में मदुरई स्टेशन के साथ संयुक्त रूप से मधुबनी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और बलहारशाह रेलवे स्टेशन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी हाल ही में मधुबनी रेलवे स्टेशन पर विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई गई थी, मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट है भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाई स्पीड लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में हरी झंडी दिखाई इसको। इस लोकोमोटिव इंजन को फ्रांस की कंपनी एस्टोम की मदद से मधेपुरा रेल लोको फैक्ट्री में बनाया गया है। 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता वाला यह लोकोमोटिव 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6,000 टन वजन खींचने में सक्षम है। इसके साथ ही भारत ऐसा इंजन चलाने वाला 5वां देश बन गया है। इससे पहले रूस, चीन, जर्मनी और स्वीडन में ऐसा इंजन चलाया जा रहा है।
जल संसाधन पर पूर्वी राज्यों का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन, ठीक है, इसका आयोजन जो 16 अप्रैल को कोलकाता में हुआ, क्यों हुआ, ताकि इन राज्यों के बकाया जल के मुद्दों का जो है उसका समाधान किया जा सके। इस सम्मेलन में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जल संसाधन से संबंधित इंट्रा और इंट्रा बेसिन के मुद्दों को हल करने के लिए समाधान खोजने पर विचार विमर्श किया गया। एनडीएमए द्वारा जैव आपदाओं पर पहली बार मॉक ड्रिल किया गया है, कहां पर, पटना के जय प्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर, ठीक है। कौन कौन से जैव आपदा इसमें सम्मिलित होंगे, सीबीआरएन, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। एनटीपीसी का बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एक समझौता हुआ है, बिहार सरकार ने एनटीपीसी के साथ बिजली के क्षेत्र में एक बड़ा समझौता किया है। इसके तहत बिहार के 3 बिजली घर बरौनी, कांटी और नबीनगर 30 साल के लिए एनटीपीसी को दे दिया गया है, ठीक है। कांटी मुजफ्फरपुर में, नबीनगर औरंगाबाद में है और बरौनी बेगूसराय में है। आईआईटी दिल्ली और सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट सीड की रिपोर्ट आई है, यह 11 उत्तर भारतीय शहरों पर किया गया एक स्टडी है। इसके अनुसार यूपी के 7, झारखंड का रांची और बिहार के 3 शहर पटना, मुजफ्फरपुर और गया में दूषित हवा से स्ट्रोक और फेफड़े के कैंसर से मौतें जो है जल्दी जल्दी हो रही है। बिहार में सोन नहर के पक्कीकरण परियोजना को एडीबी की मंजूरी मिल गई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। बिहार के शहबाज क्षेत्र में सोन नहर प्रणाली की पक्कीकरण परियोजना के लिए 50.3 करोड़ डॉलर, मतलब 3,272.49 करोड़ रुपए की संभावित लागत से यह परियोजना तैयार की जाएगी। इस परियोजना में एडीबी की तरफ से 35.2 करोड़ डॉलर की सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यह योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अप्रैल 2018 में लॉन्च की है। बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षा जिन लड़कियों ने अच्छे नंबर से पास किए उन्हें बिहार सरकार 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई है और यह सभी अविवाहित लड़कियों पर लागू होगा। बिहार में ऑनलाइन डीजल अनुदान कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, जिसके तहत किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बिहार विधानसभा ने शराबबंदी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, ठीक है, पहले बहुत ही कड़ा कानून था। बिहार विधानसभा ने 23 जुलाई 2018 को शराबबंदी कानून में संशोधन को मंजूरी दी है। पहली बार शराब पीने पर पकड़े जाने की स्थिति में आरोपित पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, ठीक है, या फिर उसे 3 महीने की जेल की सजा काटनी होगी। यही नहीं, पहले इस कानून का उल्लंघन करने वालों को जमानत का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब जमानत के प्रावधान को जोड़ दिया गया है। पहले यदि किसी भवन से शराब बरामद होती थी तो उस भवन को जब्त करने का प्रावधान था, अब उसे भी खत्म कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सभी बालिक सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने की व्यवस्था थी, उसे भी खत्म किया गया है, ठीक है। किसी गांव में शराब बनाने के धंधे का पता चलने पर सामूहिक जुर्माने का प्रावधान था, इसे भी खत्म कर दिया गया है। किराएदार के पास अगर शराब मिलता है तो घर जब्त नहीं होगा, ठीक है, बल्कि उस पर मुकदमा होगा। ये सब संशोधन किए गए हैं। वान सागर नहर परियोजना, ठीक है, इसका उद्घाटन और इसको समर्पित किया 15 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, ठीक है, और इस नहर की लंबाई जो 171 किलोमीटर है। यह परियोजना जो 1978 में शुरू की गई थी, यह सोन नदी पर निर्मित परियोजना है जिसमें सम्मिलित राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। गंगा वृक्षारोपण अभियान, 9 से 15 जुलाई 2018 के मध्य गंगा बेसिन के 5 प्रमुख राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान मुख्य रूप से कांजी, शीशम, फार्मेस, जामुन, अर्जुन, गुड़हल, सीरस, आम, नीम, सेमल, सागवान, साल, बांस आदि के पौधे लगाए गए। इंदिरा शक्ति ऐप, बिहार कांग्रेस के प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने राजीव गांधी की 74वीं जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2018 को इंदिरा शक्ति नामक ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य मुसीबत में फंसी महिलाओं को त्वरित सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराना है। शक्ति ऐप। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा, ठीक है, इसकी घोषणा 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे के अवसर पर किया गया है। यह भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर की पहचान शाही लीची को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई है। बौद्धिक संपदा कानून के तहत शाही लीची को जीआई टैग, मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दे दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण शाही लीची के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इससे पहले बिहार के
कतरनी चावल को, ठीक है, और मगही मगही पान को और जरदालू आम को भी जीआई टैग मिल चुका है इसी साल, ठीक है। कतरनी भागलपुर, मगही नवादा और जरदालू आम भागलपुर। बिहार में तय समय से पहले ही पूरे राज्य में 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सौभाग्य योजना की वेबसाइट पर 25 अक्टूबर 2018 को जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार के सभी 1,39,63,909 घरों में बिजली पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत बिहार में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 31 दिसंबर 2018 तक रखा था, लेकिन बिजली विभाग ने इसे तय समय से 2 महीने पहले ही पूरा कर लिया है। सौभाग्य योजना के तहत बिहार में करीब 32 लाख ऐसे घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया था। उन्नयन बांका को CAPAM पुरस्कार 2018 मिला है। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की अमेरिका के गुआना जॉर्ज टाउन में हुई बैठक में बिहार के उन्नयन बांका पहल तथा कर्नाटक के यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट पहल को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें कि उन्नयन बांका पहल को इनोवेशन इंक्यूबेशन के तहत पुरस्कृत किया गया है। बिहार के बांका जिला में उन्नयन बांका नाम से सभी के लिए गुणवत्ता शिक्षा पहल प्रारंभ किया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूले, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग फिर से बिहार के करंट अफेयर्स पार्ट 2 में मिलेंगे, और उसमें भी हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार का देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।